हेलो एवरीवन, नमस्कार। टाइम्स ऑफ तरुण से मैं शिवम और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम आप पहुंचे हैं नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद, जो कि हमारा जिला है। और आज हम रजत जी के साथ आए हुए हैं। पिपरिया से सफ़र शुरू कर 70 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, 70-75 किलोमीटर का। और हम पहुँच चुके हैं सेठानी घाट, और पीछे वो आप देख रहे हैं हमारे, वो है सेठानी घाट का प्रवेश द्वार, और सामने है सेठानी घाट। की स्थापना 1500 ईस्वी में होशंग शाह घोरी के द्वारा की गई थी, और ये मालवा के द्वितीय सुल्तान थे। और होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारे पीछे आप जो ये घाट देख रहे हैं, यहाँ पर हुई थी अक्षय कुमार की मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग, जिसका गाना था गोरी लठ मार, जो कि यहीं पर हुई थी, और वो तकरीबन 30 दिन चली थी यहाँ पर। माँ नर्मदा अपने उफान पर होती हैं, तो यहाँ से उसका उनका नज़ारा देखा जाता है। जब बहुत बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर होता है, तब पहले वहाँ पर थे। आप ये जो पीछे हमारे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के उस साइड थे, वहाँ से हम इस साइड यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं माँ नर्मदा के, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है और जब बाढ़ का जैसा माहौल होता है, बाढ़ आती है, तो यहाँ से वो दृश्य, वो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बरसात में लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाढ़ बहुत जल्दी आ जाती है इस कारण से। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे माँ नर्मदा के दर्शन के लिए। अभी हम वहाँ पर थे, ऊपर थे, वहाँ से अब नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रजत जी थोड़े जल्दी में हैं। यह है माँ नर्मदा, जिनकी कृपा सदा बनी रहती है लोगों पर। ये सेठानी घाट हमारे पीछे आपने देखा, वो पूरा वो जो कि सेठानी घाट है। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, रजत जी हमारे साथ हैं, और अभी दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर और भी जो मंदिर हैं उनके आपको पूरे दर्शन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं वो मंदिर। Thank you.
पर यह है श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो कलाकारी है, जो डिज़ाइन है इस मंदिर की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अंदर हैं कान्हा श्री बांके बिहारी। और ये जो आप इसकी कलाकारी देख रहे हैं, ये बिल्कुल पत्थर पर की गई है, और जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। माँ नर्मदा के तट पर भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रतिदिन यहाँ पर हजार की तादाद में श्रद्धालु स्नान करते हैं। और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, सोमती अमावस्या है, तो इस दिन जो है यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ का जो एक नज़ारा होता है वो बहुत ही शानदार होता है। स्टेशन जाने के लिए आपको यहाँ पर ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, तो आराम से आप 10 रुपये में स्टेशन पहुँच सकते हैं।